चेतावनी के बावजूद नॉर्थ कोरिया ने किया मिसाइल टेस्ट। तानाशाह किम जोंग उन के अफसरों ने इसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करार दिया। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा कि ये कदम उकसाने वाला है, ये कोरिया रीजन ही नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। हरियाणा सरकार विदेशियों को देगी बीफ खाने का लाइसेंस। बीते साल गौ मास पर घमासान के बाद हरियाणा सरकार ने गौ मास की बिक्री पर बैन लगाया था, लेकिन अब सीएम खट्टर का कहना है कि वह सूबे में रह रहे विदेशी लोगों को बीफ खाने की परमिशन देने पर विचार कर सकते हैं। शिंगड़ापुर विवाद में श्रीशी ने किया सहमति का दावा। भूमाता ब्रिगेड ने कहा बैठक नाकाम। श्री श्री रविशंकर के साथ शिंगड़ापुर ट्रस्ट और भूमाता ब्रिगेड की मुलाकात हुई, जिसके बाद निर्णय किया गया कि अब चबूतरे पर चढ़कर पूजा अर्चना सिर्फ पुजारी ही करेंगे। 3 फुट की दूरी पर भगवान का दर्शन सब कर सकते ऐसे सभी करेंगे, कोई लिंग भेद वहाँ नहीं होगा। श्री श्री ने विवाद सुलझने का दावा किया, जबकि भूमाता ब्रिगेड ने बैठक को नाकाम बताया। इस्कॉन मंदिर पर शंकराचार्य ने उठाए सवाल, कहा चढ़ा हुआ पैसा अमेरिका जाता है। शंकराचार्य स्वरूपानंद ने कहा है कि इस्कॉन वाले भारत में बड़े मंदिर बना रहे हैं, यहाँ जो पैसा चढ़ रहा है वो अमेरिका जा रहा है, ये काम मिशनरियों का है। दिव्यांश की मौत की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश करेगी केजरीवाल सरकार। सीबीआई को सौंपने की रिकमेंडेशन तो हम भेजेंगे यहां से। दिल्ली सरकार ने जहां सीबीआई जांच की मांग उठा दी है, वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जांच करने में सक्षम है। 2 दिन में 15 करोड़ रुपए पहुंचा घायल वंस अगेन का कलेक्शन। जब एक करप्ट आदमी मरता है तो उसकी सत्ता खत्म होती है। घायल वंस अगेन साल 2016 में अब तक की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर है। फिल्म को धर्मेंद्र ने प्रोड्यूस किया है, इसके डायरेक्टर और एक्टर सनी देओल खुद हैं। नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना है, देखते रहिए दैनिक भास्कर.com।